तो अभी हमको देखना है कि किस तरह से हम लोग एडिट वर्टेक्स को मॉडिफाई करते हैं। अब किस सेशन हम लोग जाने हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि एडिट वर्टेक्स सॉरी एडिट एज कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एडिट वर्टेक्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स में जाएंगे और बॉक्स में जाके हम लोग इस तरह से बॉक्स लेंगे, ठीक है। और बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके देखेंगे सर, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ होगा और ये सब तो हम लोगों को भी देखा ही है सब कुछ, ठीक है। तो सिग्नेस थोड़े से हमने और ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लिए, फिर राइट क्लिक कन्वर्ट टू इस वाला है, सॉरी कन्वर्ट टू पॉलीलाइन है। और उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ में क्या एक्सप्रेसेस एंड अपरेट सर हम लोग जाएंगे, हम लोग को अभी इस सेशन में देखना है, इसमें हम लोग देखा है एज और इसके बाद इस सेशन में ये फिर एक एक करके हम फिर से इस पर आएंगे, क्योंकि जब इसको हम बहुत अच्छे से समझ देंगे ना तो हमारे बेसिक्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो हम लोग एडिट वर्टेक्स में फिर से क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए तो सारे वर्टेक्स हमारे सेलेक्ट हो गए। अब किसी भी एक वर्टेक्स को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो देखिए सेलेक्ट हो रहा है, तो हमने आपको लास्ट बताया था कि यहाँ पे नंबर बता देगा उसका। अब हम लोग देखते जा रहे हैं इसमें एडिट वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, अब उसको एडिट कैसे करेंगे इसके बाद वाले सेशन हम लोग जब दोबारा पढ़ेंगे तो हम सॉफ्ट सिलेक्शन उसका देखेंगे, सॉफ्ट सिलेक्शन क्या होता है। चीज़ें वही हैं यहाँ पर, जैसे आप रिमूव करते हो, ठीक है, आप सेलेक्ट करके अगर आप डिलीट करते हो तो आपको पता है ये हल हो जाता है, बट जब आप इसको सर क्या बोलते हैं यहाँ से रिमूव करते हो तो फेस उसका ख्याल रहता है, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक कैसे है, जैसे कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है, तो अब सारे चारों सेलेक्ट हो गए ना, और चारों सेलेक्ट होने के बाद सर यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करके ब्रेक करेंगे ना, ये अलग हो चुके हैं सर। अब आप किसी एक को उठाएंगे ना तो आप देखेंगे एक एज उठा, ठीक है। अब एक एज उठा, अब ऐसे अगर दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा उठेगा। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए किसी सनसेट की डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि लाइक ऊपर ओपन आर्ट पे आपको एक सेट डालना है, ठीक है, तो सेट की डिजाइन करने के लिए हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, इस तरह से किया और फिर हमने इस तरह से। अब मान लीजिए हमें मन हुआ बाद में कि हम इसको बेल्ट करते हैं सर, ठीक है, मतलब कि जोड़ दें और ऊपर जाके जोड़ें, तो थोड़ा सा कठिनाई होगी, कठिनाई इन द सेंस कि आपको सबको पास लाना पड़ेगा, पर लाइक ये और इसके पास आ गया, ठीक है, और फिर इसके बाद ये सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ पर आ गया, ये देखिए हमारे सारे के सारे सेलेक्ट हो गए सर, ठीक है। एक हमारा जो है वो अंदर है ये वाला, तो सबको बड़े यही आसानी से आपको पास में ले आना है अच्छे से। हम लोग को क्या करना है, इसको बढ़िया से जितना हम कर पाए, ठीक है, उतना ज़्यादा कोशिश करेंगे, बाकी बाद में हम उसको कर सकते हैं, लाइक बेल्ट की हमने जो स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है, तो बेल्ट तो होना है, लेकिन हम अच्छे से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। जिससे सेलेक्ट हुआ, अब देखिए सबको हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके हमको मिलेगा यहाँ पर आपको बेल्ट कमांड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बेल्ट के कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और जैसे कॉर्नर पर क्लिक करके इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और बढ़ा के जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था ये यस कर दिया, अब क्या होगा कि ये बेल्ट हो चुके हैं, जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे नीचे, अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह के सब लोगों ने देखा कि किस तरह से रिमूव और ब्रेक और बेल्ट को यूज करते हैं सर, ठीक है। सेम काम यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ पर एक्सट्रूड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रूड इस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स है, ठीक है, तो वर्टेक्स ही ऊपर जाएगा, और उसके बाद अगर वर्टेक्स की साइज को बढ़ाना, जिस तरह से वर्टेक्स साइज को बढ़ा सकते हैं और ये करके ओके करते हैं, ठीक। एंड आफ्टर वर्टेक्स सॉरी एज ये हो गया, एक्सट्रूड हो गया, बेल्ट हो गया, अब ऐसे ही यहाँ पर सर चैम्पर होता है, चैम्पर भी बहुत अच्छा काम करता है, इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चैम्पर पर क्लिक करते हैं और फिर चैम्पर पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, ये देखिए आपको ट्रेंगुलर शेप देता जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है सर, कि अभी जैसे मानी इतने एरिया को एक्सट्रूड करना है तो हम आराम से रीडेबल पॉली पे गए और उठा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया था ये यहाँ पे हॉलो भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से इस पर क्लिक किया और क्लिक करके आसान है ये बहुत, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसको करते हैं, किस तरह से हम लोग ये किया, किस तरह से किया। टारगेट बेल्ट बड़ी अच्छी होती है, टारगेट बेल्ट में क्या होता है कि इसको सेलेक्ट किया सर और सेलेक्ट करके जैसे आपने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद अब जैसे आप टारगेट बेल्ट करना चाहेंगे ना, लाइक जैसे एक मान लीजिए एक आपको ऊपर है,
ठीक है। अब इसको वहाँ से बिल्ड करना है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको टारगेट बिल्ड लेना है और यहाँ पे क्लिक करके बता देना कि कहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो ये मतलब कि आसान कर देगा आपके काम को, क्योंकि उसमें आपने देखा कितना टाइम लेके आपको सेट करना पड़ता है ना। और सॉरी अभी वर्टेक्स ऐड सेलेक्ट नहीं है, तो आसानी से हम लोग टारगेट बिल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद है यहाँ पे कनेक्ट कमांड है, कनेक्ट कमांड के लिए इस तरह से देखा सर हम लोगों ने कि किस तरह से हम लोग अपने एडिट वर्टेक्स को चलाएंगे, ठीक है। लास्ट लाइक हम लोग फिर जब हम लोग पढ़ेंगे एडिट वर्टेक्स तो हम लोग उसमें देखेंगे कि सॉफ्ट सिलेक्शन कैसे होता है, अलग अलग तरीके से हम लोग सिलेक्शन करते हैं इसका, तो उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इसके साथ